गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ओके लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम द एक्सरसाइज 8.1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन फिगर 8.13 फाइंड 10p बाय दिस कोटा, यानी 10p ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10p कोरिस्पोंडिंग टू p एंड कोट कोरिस्पोंडिंग टू r, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो सबसे पहले हम जब 10p निकालेंगे, ठीक है, तो 10p आप कैसे निकालोगे, जब p ये है तो आपका 20 ये हो जाएगा एंड ये आपका क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। तो 10 का फॉर्मूला क्या है, हम दोबारा पंडित बद्री बद्री प्रसाद हरि हरि बोले सोना चांदी तोले। तो 10 का फॉर्मूला है 10 है परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट, या फिर हम बोल सकते हैं अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडसेंट। आपको दोनों याद रखना है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कीजिए, इसको एक्स मानिए, ठीक है, क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है। तो एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, राइट एंगल है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो 13 का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस आपका कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्स। अब 13 का स्क्वायर 169, ये 12 का स्क्वायर इधर आएगा 144 और इधर आपका राइट पार्ट में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों साइड आप क्या करोगे 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर रूट करोगी, तो रूट से रूट स्क्वायर कैंसिल रूट से, और इसको क्या क्या लिखेंगे कि जो स्क्वायर रूट है 25 को वो कितना होता है 5, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मैं x, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका था, तो x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, x क्या अज्यूम किया था परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी आई थी, आएगी 5 सेंटीमीटर। अब आप कोई भी जो 10p है कोट आप आराम से निकाल सकते हो। तो जैसे कि 10p निकालना हमें, ठीक है, तो 10p निकालने के लिए हमें क्या है, 10p हम निकालेंगे, 10p निकालेंगे तो क्या है पंडित परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, 10, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, क्योंकि एंगल P ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा क्यू आर 5, तो 10p की वैल्यू आपकी कितनी होगा 5 डिवाइड बाय बेस, बेस कितना है, बेस आपका 12, तो ये आपका 10p की कोरस्पोंडिंग वैल्यू आ जाएगा। अब आपको जो वैल्यू निकालना है कोट R का, तो कोट आर निकालने के लिए हम क्या याद रखते हैं कि कोट किसका उल्टा है 10 का, ठीक है, तो कोट आपका रेसिप्रोकल है 10 का, तो सबसे पहले हमें 10 की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो हम यहाँ से 10r निकालेंगे, तो 10r क्या होगा, मतलब एक्यूट एंगल मेरा ये है, तो बेस मेरा कौन सा हो जाएगा, qr मेरा बेस है, तो qr मेरा बेस है, तो x की वैल्यू कितनी आई मुझे, x की वैल्यू मुझे 5 मिली, ये आपने 10p में थोड़ा रॉन्ग किया है, यहाँ पर एक मिनट, ठीक था हाँ, परपेंडिकुलर 10r क्या होगा, 10r होगा परपेंडिकुलर अपॉन 20, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपको ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप कौन सा एंगल ले रहे हो, ये वाला, तो अगर r एंगल ले रहे हो तो r आपका, तो qr आपका क्या है, बेस है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन 10 की फॉर्म में आपको परपेंडिकुलर पहले लिखना है, तो 10r में आप परपेंडिकुलर लिखोगे तो 12 बाय 5 आपका आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, 10p की वैल्यू 5 बाय 12 एंड 10r की वैल्यू 12 बाय 5, इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है, तो आपको 12 5 से 60 एलसीएम आ जाएगा, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। जैसे साइन है और जैसे सेक की वैल्यू निकालें, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, राइट, ये आपका राइट एंगल है। अब यहाँ पर कोट ए की वैल्यू पता, कोट ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितने हो जाएगा 8/15। हमें कोट की वैल्यू याद नहीं करनी, हमें कोट को, हमें ये पता करना है कि कोट किसका, उसका रेसिप्रोकल है, कोट और टेन में रिलेशन होता है रेसिप्रोकल का, सो टेन टेन ए की वैल्यू कितनी होगी 8/10 ए की वैल्यू होगी
फिफ्टीन बाई एट ये आया। अब हमें पता है कि टेन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, यानी टेन का ये रिलेशन है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो आपका एंगल अब ये होगा डेफिनेटली ए बी सी, क्योंकि एंगल ये होगा तभी तो ये बेस हो जाएगा आपका और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर की, टेन की, टेन की वैल्यू आपकी आई थी इसका रेसिप्रोकल 15 बाई 8, यानी 15 क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, ये तो आपने वैल्यू निकाल। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको फाइंड आउट करना था, अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, फाइंड आउट करना था कि साइन ए और सैक ए। तो साइन ए आप कैसे निकालोगे, साइन ए होता है एंगल ये है आपका, तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस ये है। तो हाइपोटेन्यूस आप निकालोगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके, तो आप क्या करोगे 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, तो आपके इसकी 17 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से आपका यूज करना, तो साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू परपेंडिकुलर 15 एंड डिवाइड बाई आपका क्या होगा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस वैल्यू 17। ऐसे ही आपको सेक ए की वैल्यू निकालनी, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कोस का। ठीक है, तो कोस ए की वैल्यू पहले निकालेंगे हम, क्योंकि सेक और कोस में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, जैसे टैन और कोट में और साइन और कोसेक में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। तो कोसेक किसका, सेक उल्टा, तो सबसे पहले हम कोसेक की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि उसका हमें फॉर्मूला याद है। ठीक है, उसको हम पता है क्या है, उसको लिखते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो कोस कितना है, बेस कितना है यहाँ पर ए, बेस ये है आपका 8 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना आपका, हाइपोटेन्यूज 17, तो 8 बाई 17 कोस ए की वैल्यू है। लेकिन सेक ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 1 बाई 8 बाई 17, तो फाइनली क्या हो जाएगा 17 बाई 8, यानी उल्टा कर देंगे। ठीक है, द न्यूमरेटर विल चेंज इनटू डिनोमिनेटर एंड